हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अरबी ब्लॉग एंड रेसिपी में। आज मैं बनाने वाली हूँ अरबी यानी कुचई की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कुचई, जिसको मैं कट करके धुली हूँ। दो तीन पानी धुलना है इसको। लहसुन आधा इंच, अदरक का टुकड़ा, एक चुटकी हींग, एक बड़े साइज का प्याज, एक टमाटर, धनिया पत्ती और दो हरा मिर्ची, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, मेथी बीज और एक चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हो। एक चम्मच हल्दी, एक धनिया पाउडर और एक चम्मच मिर्ची पाउडर और एक कप दही को मैं पानी डाल के इसका एक गिलास घोल तैयार की हूँ। तो कढ़ाई को मैं गर्म होने के लिए तेल डाल के रख दी हूँ। तेल गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे राई, जीरा और मेथी के दाने। इसके बाद डालेंगे इसमें लहसुन, इसके बाद अदरक डालेंगे, कद्दूकस किया हुआ, हरी मिर्ची, थोड़ा सा हींग और प्याज। अब इसको चम्मच चलाते हुए भूनना है। ये देखिए, हमारे सभी प्याज व्याज अच्छे से भून गई है। अब इसमें डालेंगे अरबी और सभी तरफ अच्छे से चम्मच चला देंगे और ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गई है, अब इसको खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए, अभी अरबी हमारी भुनी नहीं है, अरबी हमारी भुनी नहीं है, तो इसको थोड़ा सा और चम्मच चला के ढक देंगे। अब इसको साइड कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे टमाटर चॉप किया हुआ और उसके ऊपर नमक, उसके बाद अरबी से इसको ढक देंगे नीचे में। इस तरीके से ढक देना है। अब इसके ऊपर डालेंगे मसाले और उसके बाद हल्का से पानी डाल देंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। तो 5 मिनट हो गई है, खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे मसाले इसमें मिक्स हो गए हैं। इसको चम्मच चला चलाते हुए देखना है। अब इसको थोड़ी देर और पकाएंगे 5 मिनट के लिए, जिससे मसाले उसके अंदर तक घुस जाए। तो ये देखिए, हमारे मसाले अच्छे से पक गए हैं, पूरी तरह इसमें भीग गया है। अब इसमें डालेंगे दही, जिसका मैं घोल तैयार की हूँ। एक गिलास दही है और एक गिलास पानी भी डालेंगे। अब इसको अच्छे से चम्मच चला देंगे और 10 मिनट के लिए ढक देंगे। तो ये देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम खोल के देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें उबाल आ गई है अच्छे से। अब इसमें थोड़ी सी चम्मच चला देंगे ताकि नीचे बैठे। तो ये देखिए, अभी इसमें बहुत पानी है, तो इसे अभी पकने में कम से कम 10 मिनट और लगेगी। तो 10 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो 10 मिनट हो गई है, आप देख सकते हो ये अच्छे से पक गया है। ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अब हम इसमें धनिया की पत्ती डालेंगे, बारीक कटी हुई। तो इस तरह से धनिया की पत्ती डाल देंगे और 10 मिनट के लिए ढक देंगे। तो इसी तरीके से हम इसे बनाती हूँ मैं। आप मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।